भदभदा बस्ती से हटाए गए 386 मकानों को मुआवजे के तौर पर जिला प्रशासन ने 1-1 लाख रुपए के चेक दिए थे, लेकिन बैंक में लगाए गए ये चेक क्लियर ही नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर चेक वापस आ गए हैं और अब मुआवजे का चेक लेकर लोग बैंकों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अपना आशियाना खोने के एवज में लोगों को चेक दिए गए थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि इन चेक को कैश कराने में उनकी चप्पलें घिस जाएंगी। अपना घर खो चुकी और एक बड़े पेड़ को अपना आशियाना मानने वाली मीनाबाई का कहना है कि वो उजाड़ी गई बस्ती में ही बड़ी हुई और जिस पेड़ को बड़ा किया वही आज उनका आशियाना बना हुआ है। इस बस्ती के कई बच्चे ऐसे हैं जिनके इम्तिहान सिर पर है और प्रशासन ने उसी वक्त इनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया है। अब ना घर का पता है और ना पढ़ाई का। भदभदा झुग्गी में जितने भी लोगों को चेक मिले अधिकतर रिटर्न हो गए। चेक को लेकर बैंक के चक्कर लगाने वाले इरफान ने बताया कि लगभग 386 लोगों को 1-1 लाख के चेक दिए गए थे, लेकिन चेक में सबके नाम गलत है। 1 लाख रुपए मिले उसमें क्या होगा, मकान लेंगे या घर बनाएंगे, हम क्या करेंगे इसमें 1 लाख में, हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारी पढ़ाई पूरी नुकसान हो गई। हम इस मदरसे पढ़ रहे थे, मदरसे पूरी हमारी छुट्टी हो गई थी, हम घर पे आए थे, घर पे मस्जिदों में पढ़ते, हमारी मस्जिद तो हमारे घर ही तोड़ गया था, मस्जिद में कहाँ से पढ़ेंगे, अब हमारे घर ही नहीं रहे, नहीं अभी क्लियर नहीं हो रहा, बहुत सौ नहीं मिले पैसे। हाँ हम पूरा सड़क पे आ गए, हम कहाँ रहेंगे, ना हमें जगह दी ना कुछ नहीं दिया, हम कहाँ से रहेंगे, अभी कुछ नहीं मिल लिया। भदभदा के पीड़ितों के बीच पहुंची नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी का कहना है कि सबको जानबूझकर गलत चेक दिए गए हैं। हालांकि इस खबर के बारे में जब हमने प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों और बैंक से बात करनी चाही तो उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। भदभदा लेक फ्रंट से हटाए गए लोगों को चेक जारी किए गए थे नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन एक दो नहीं करीब 386 शिकायतकर्ता ऐसे हैं जिनके चेक गलत बने हैं। किसी में नाम गलत है तो किसी में वल्दियत गलत है। 2-4-10 चेक होते तो इसे लापरवाही माना जा सकता था, लेकिन एक दो नहीं 386 चेक गलत बने हैं जिनको देखकर यही लगता है कि ये गलती जानबूझकर की गई है लोगों को परेशान करने के लिए। शायद यही वजह है कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है। सहयोगी विनोद तिवारी के साथ अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, भोपाल।